सॉल्यूशन पेपर पार्ट वन। हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एक्सीलेंट स्टडी सेंटर एजुकेशनल चैनल। तो स्टूडेंट, आप लोग के लिए बहुत खुशखबरी है कि जो मैंने आपको क्वेश्चन ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है हिंदी और इंग्लिश दोनों में, लाइन और एंगल्स के इंट्रोडक्शन पार्ट का, उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं। लेकिन याद रहे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 1 to 8 ये काफी आसान है, थ्योरेटिकल सेक्शन है। वो सारी चीजें आपको ऑलरेडी नेट पे अपलोड है, मैंने दे रखा है। जो आपका इंट्रोडक्शन पार्ट है, पार्ट 1, 2, 3, 4 तक में जो है सारी चीजें उसमें आपको आसानी के साथ मिल जाएंगी। थोड़ा बहुत अगर प्रॉब्लम होगा, हालांकि ये भी चीजें वहां हैं, लेकिन ये बजाबते आपको सॉल्व करना होगा। तो वो जैसे कि क्वेश्चन 9 से है, तो ये देखो स्क्रीन, ये आपको सोल्यूशन पेपर ऑलरेडी हो गया और क्वेश्चन 9 यहाँ रहा। क्वेश्चन 9 आपके लिए दिया गया। क्वेश्चन 9 क्या था आपको पता ही है ऑलरेडी, तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैं यहाँ पे लिख दिया हूं, आप देख सकते हो। आप इस तरह से कुछ सॉल्व करना, इस सॉल्यूशन को मैं यहाँ पे डील नहीं कर रहा हूँ, पूरी तरह से मैं समझा नहीं रहा हूँ। आप पहले खुद आप, क्योंकि सॉल्यूशन दे दिए यही काफी, एक्चुअली ये भी नहीं होनी चाहिए था, लेकिन अगर आपको दे दिया गया तो आप यहाँ से देख के खुद से समझो, क्योंकि ये सारी चीजें आपको पढ़ाई गई थी। फिर भी अगर प्रॉब्लम होगा तो क्लास में बोर्ड पर इसको मेंशन किया जाएगा। तो फिलहाल आप इसको कवर करें, समझें। इस तरह से आपका जो एंगल बी का वैल्यू मांग रहा था तो 150 आएगा। उसके बाद दो पूरक कोणों के माप का अंतर जो है 12 डिग्री कहा गया, तो कोणों की माप याद करें, द डिफरेंस इन द मेजर ऑफ द कम्प्लीमेंट्री एंगल इज 12, तो फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल। तो इसका सोल्यूशन भी काफी आसान है, कुछ इस तरह से आप निकाल सकते हो। वीडियो को पॉज करके एक एक को आप आसानी के साथ नोट कर लो, ये आपके लिए बेटर होगा। यहाँ पे 39 जो इसका आंसर आया, कैसे आया उसका यहाँ पे आपको छोटा सा एक रफ करके भी दिखा दिया गया है, और लैंग्वेज भी आपको दे दिया गया जो क्वेश्चन में पूछा है, फिर उसको कैसे लिखना है आंसर आने के बाद लास्ट में, जो मैथमेटिक्स का जो मेथड होनी चाहिए क्वेश्चन के सोल्यूशन का। उसके बाद आपको 11 क्वेश्चन का एबीसी, कई सारे क्वेश्चन इसमें थे, सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन यहाँ पे मिल गया। फिर से मैं कहूंगा कि वीडियो को पॉज करो और एक एक को आसानी से आप नोट कर सकते हो। उसके बाद खुद से सॉल्व करने का प्रयास करना, जहां पे अटकिएगा, जहां पे नहीं हो पाएगा, वहां पे आप इस चीज से फिर दोबारा देख सकते हो। ई और एफ तक है, तो एफ का भी काफी आसान है, यहाँ पे स्पेस कम था, इस वजह से एफ का नहीं लिखा गया है। आप खुद से कवर कर लेना, कुछ कुछ खुद से भी होना स्टूडेंट्स, इसी आधार पर जैसा कि दिया गया जस्ट। उसके बाद क्वेश्चन 12 की बात की करें, तो क्वेश्चन 12 का भी सॉल्यूशन आपको दे दिया गया है, ये भी आपको टफ नहीं है, आसानी के साथ इसको आप सॉल्व कर सकते हो, और इस तरह से ये आपका आंसर हो जाएगा पूरा। यहां से यहां तक फिर से देख लो, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, ये क्वेश्चन था आपका और ये इसका सॉल्यूशन। ओके, उसके बाद अब 12 के बाद हम बात करेंगे सीधा सीधा 13 की, यानी कि 11 के बाद कितना क्वेश्चन नंबर था देख लिया जाए एक बार, क्वेश्चन नंबर 12 के बाद सीधा सीधा हम आगे बढ़ेंगे 13 की ओर। 13 का क्वेश्चन ये था, अब आसानी के साथ देख सकते हो, और इसको जब हम कट करेंगे तो आपको 45 आ जाएगा। कैसे कैसे सॉल्व किया जाए, एक एक आपको बिल्कुल सिक्वेंशियल दिया गया है, तो आप इसको आसानी से देख के कवर कर सकते हो। बीच में एक क्वेश्चन आपको जो मैंने नहीं दिया है, तो वो क्वेश्चन काफी आसान है, जो कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, तो वो आप खुद से बना सकते हो। थ्योरेटिकल सेक्शन से क्लियर वो आसानी से समझ में आ जाता है। इसके बाद जो भी क्वेश्चन हैं वो आपको आज वाले टेस्ट में नहीं लिया जाएगा, इतना ही लिया जाएगा, क्योंकि वो सारे जो आपको कहीं ना कहीं एक थ्योरम है, पढ़ना है, तो वो आपको मैं नेक्स्ट पढ़ाऊंगा, फिर उससे इसका सोल्यूशन दिया जाएगा। ओके, तो आपको एक एक चीज को नोट कर लो, कवर कर लो, फिर से मैं आपको एक एक चीज दिखा दे रहा हूं, और फुल तैयारी करके आप लोग आएंगे, ताकि 100 में 100 मार्क्स को अचीव आसानी के साथ किया जा सके। ओके,